मेरी शहर कोलकाता, माई होम टाउन, द सिटी वेयर आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप। काम के सिलसिले में अभी कोलकाता के बाहर रहना पड़ता है, लेकिन जब भी छुट्टी पे आती हूँ कुछ चीज़ें तो एकदम मस्ट होता है। मॉम का हाथों से खाना, पापा का प्यार, बेस्टी का हग, दोस्तों से मिलना और बहुत सारे खाना। चलो कम विथ मी ऑन द जर्नी ऑफ माई होम कमिंग टू कोलकाता Episode-1। आई नो आई एम लुकिंग डिजास्टर, लेकिन कोलकाता आने का फीलिंग, घर आने का फीलिंग जो होता है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन कोलकाता नाउ, आई एम इन एयरपोर्ट, और उसके बाद मैं अभी कैब पकड़ के घर जाने वाली हूँ। एंड आई विल मीट यू गाइस सून। हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूँ तानिया और मैं आज हूँ अपनी शहर कोलकाता में। सो आप लोग जो मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो, दे नो दैट नाउ आई स्टे इन हैदराबाद, लेकिन मेरा होम टाउन, मेरा घर कोलकाता में है। सो आई एम हियर फॉर 3-4 डेज। मैं साल में 2-3 बार आती रहती हूँ। एंड द थिंग इज, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग इन कोलकाता, सो आई एम टू मच एक्साइटेड। एंड आई नो आप लोगों ने बहुत सारे कोलकाता के स्ट्रीट फूड वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोकल एरियाज आपको लोगों को पता है, लेकिन माई इन दिस वीडियो ना, मैं ना सिर्फ आपका जो लोकल स्ट्रीट फूड्स है या कुछ फेमस स्ट्रीट फूड एरियाज है वो दिखाने वाली हूँ, बल्कि आई विल ऑल्सो शो इन विच प्लेसेस आई एम गोइंग, वॉट टू ईट एट होम, या अगर क्या कहीं किसी के घर जाते हैं तो बंगाली लोग क्या देते हैं खाने के लिए। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ स्ट्रीट फूड्स, लोकल फूड्स, घर का खाना एंड वॉट एवर कम्स इन माई वे। सो इफ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ subscribe this video and keep on watching this video till the end. Chalo, let's get started. और आज मैं जा रही हूँ मेरे पापा के साथ एक वेरी फेमस स्ट्रीट फूड एरिया कॉल्ड डेकर्स लेन, जो स्प्लेंडेड में है। तो चलिए देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या मिलता है। आई हैवन वेंट देयर येट, सो लाइक आई नेवर वेंट देयर, येस आई नेवर वेंट, बिकॉज लाइक आप लोगों को ना कोलकाता एक बहुत खास बात है, आपको बहुत सारे खाना यू गेट इन एवरी प्लेस वेर एवर यू स्टे। तो है बहुत सारे फेमस एरियाज या रेस्टोरेंट्स है, लेकिन आई नेवर फाउंड इट लाइक वर्दी टू गोइंग टू ओनली फेमस प्लेसेस, क्योंकि कोलकाता ना इट्स लाइक अ पैराडाइज ऑफ फूड। तो यू गेट एवरी डिलीशियस फूड एट एवरी एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर एक्चुअली। तो चलो बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत बातें हो गया, अभी चलते हैं खाने की तरफ। डेकर्सलेन मतलब चित्तो बाबूस दुकान, नो वन कैन मिस दैट। और मैंने खरीदा टोस्ट, चिकन स्टू और फिश फ्राई, एंड अभी जान लो कैसा था खाना। सो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ फिश कटलेट, सॉफ्ट इनसाइड विद लॉट्स ऑफ पेपर एंड फिश। मैं चली गई माटीर भारे चा खेते। हम लोग का चित्त बाबू लेन में हो गया है और अभी है थोड़ा चाय की बड़ी बाड़ी। और कोलकाता में ना ये जो मिट्टी के भार होता है, माटीर भार बोले इन बंगाली, तो ये जो आर्ट वेसल होता है इसमें सब लोग चाय खाते हैं। तो वेन इन कोलकाता और आप लोग अगर चाय खाने आ रहे हो ना, तो ज़रूर मिट्टी के भार में खाना। व्हाइल हैविंग टी इट स्टार्टेड रेनिंग एंड सो इट टुक शेल्टर juice shop and seeing those yummy juices, I also tried the lassi with khoaki and let's see how it works. लस्सी है ना, इसमें बहुत खोया और आपका रेजिन और नट्स वो दिया हुआ है, बहुत अच्छा है टेस्ट।
बारिश बंद होने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं इन कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन न्यू मार्केट में। मैं बहुत टायर्ड हूँ और लाइक बहुत धूप है एंड आई एम नॉट एबल टू मेक इट, तो इसलिए मैं अभी कैब करके घर लौट रही हूँ। और बीच में मुझे वो रास्ते पे चीरे भाजा मिक्सचर मिला, तो चीरे भाजा एक्चुअली है फ्राई फ्लैट एंड राइस, तो झालमुरी तो फेमस है ही, लेकिन मेरा ये स्कूल टाइम का फेवरेट है जो चीरे भाजा होता है ना फ्लैट एंड राइस, उसके अंदर वो प्याज और वो छोले सब कुछ देते हैं, पीनट्स एंड ऑल, एंड वो थोड़ा जो चाट मसाला और जो हम लोग का बीट नून बोलते हैं बंगाली में, जिसको हम लोग ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो देकर करता है। So now I'll have this. क्योंकि feeling very hungry and feeling too much tired because of this weather. While returning back home, मुझे याद आया कि मुझे कुछ plates वगैरह खरीदना है, so I went to another popular shopping destination गड़िया हाट in South Kolkata. इधर आपको घर का हर एक छोटे से छोटे सामान से लेकर clothing तक सब कुछ मिल जाता है, और देख लीजिए मैंने कितने सारे टेराकोटा का प्लेट्स खरीदा है ना, बहुत अच्छा। लेट मी नो इन कमेंट्स। गाइस गुड इवनिंग, आप लोग देख सकते हो कि अभी अंधेरा हो चुका है और इट इज लाइक 7 PM नाउ। मैं आज तो बहुत टायर्ड हो चुकी थी उधर जाके, सो आई लाइक स्लीप एक्चुअली है, बट नाउ आई एम अ लिटिल बिट हंग्री बिकॉज अभी कुछ खाया नहीं मैंने घर लौट कर, क्योंकि वो बाहर में बहुत सारी चीज़ खाए थे, सो दैट्स व्हाई नाउ आई विल गो टू हैव सम रसगुल्ला एंड ऑफ कोर्स सम रोल, द वेरी फेमस रोल ऑफ कोलकाता। मैं एग रोल नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे एग से एलर्जी है, इसलिए मैं कुछ चिकन रोल खाऊंगी और गरम गरम रसगुल्ला, तो चलो देखते हैं। पर आई एम अगेन बैक विद माय पापा बिकॉज ही हैज टेकन लीव फ्रॉम हिज वर्क टुडे। पापा से हाई मेरे घर के पास एक दुकान है मानना स्वीट्स करके उसका नाम है, तो मैं उन लोगों का जहाँ पर वो बनाते हैं ना वो स्वीट्स वो रसगुल्ला, तो फॉर यू इट्स रसगुल्ला, मैं उधर आई हूँ तो देखने के लिए कैसे वो बनाते हैं। पीछे देखते हैं लोग रसगुल्ला का जो छेना होता है ना, जो बहुत चीज़ होता है उससे वो लोग पका रहे हैं गोल गोल करके, और उसके बाद वो लोग जो हम लोग का शुगर सिरप होता है जो रॉश बोलते हैं हम लोग के बाद, तो सिरप डाल देगा एकदम गर्म गर्म, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस गर्म गर्म रसगुल्ला एंड आई विल। But they make so lovely this thing. So I'm like today very happy to know how the rasgulla is made actually. क्योंकि खाने का मज़ा तो है लेकिन ये जो देखने का मज़ा था ना, like it took almost 20 minutes to make them boil and all. So it was too good. Talking with them was too good. No one came to
टू द कैमरा बिकॉज एवरीवन इज वेरी शाई, सब लोग बहुत शाई थे, लेकिन बहुत अच्छे लगे उन लोगों से बात करके. सिर्फ रसगुल्ला नहीं, आई ऑल्सो केम टू नो हाउ दे मेक गुलाब जामुन एंड गौजा. गौजा वी से इन बंगाली, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ फ्राई मैदा विथ दिस डाटा. सो आई टेल यू समथिंग अबाउट गौजा, बट इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रसगुल्ला. जिस चीज़ में हम लोग चले हुए हैं वो हम लोग लैंग्वेज में रिक्शा बोलते हैं. आप लोगों के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो, रिक्शा या पता नहीं. ये बंगाली इज कॉल इट रिक्शा. सो एंड आई आर गोइंग टू ठाकुरिया स्टेशन. उधर एक दुकान है गोपाल करके, बहुत पुराना दुकान है. सो आई एम गोइंग देयर टू हैव सम रोल. तो आज रोल खा के डिनर हो जाएगा मेरा, तो चलिए चलते हैं रोल खा. और एक चीज़ जो कोलकाता के लोग अपने इवनिंग टाइम में चाय के साथ बहुत फेवरेट है सब लोगों का, वो है दिस वेजिटेबल चॉप. तो इट्स लाइक वेजिटेबल कटलेट विच वी कॉल वेजिटेबल चॉप. तो एग रोल वेजिटेबल चॉप ये बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है कोलकाता का. बहुत सारे लोग इवनिंग्स में ऐसा स्नैक्स खाते हैं. आई विल नाउ टेक अ बाइट ऑन दिस यम्मी वेजिटेबल चॉप. इट्स सो हॉट, थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा मीठा होता है, बहुत क्रांची होता है. अंदर देख सकते हो कि पूरा एकदम बादाम और पूरा जो बीट रूट होता है ना, बीट रूट दिया हुआ है. रियली यम. एंड आपको पता है इसका प्राइस कितना है? ओनली 5 rupees. कैन यू इमेजिन यू आर गेटिंग सच अ यम्मी कटलेट इन 5 rupees? सो 10 rupees में आपका इवनिंग स्नैक्स सॉर्टेड इफ यू टेक टू वेजिटेबल चॉप. सो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया. हम गए डेकर्स लेन में कुछ स्ट्रीट फूड खाने, अभी शाम को भी खाया. सो लाइक इट वॉज अ वेरी फूडी डे. और मी बींग अ फूडी, मेरा एवरीडे फूड है. लेकिन कोलकाता के बारे अगर वेन इट कम्स टू कोलकाता इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स माई होम टाउन. द लेन्स एंड एवरीथिंग आर लाइक माई मेमोरीज. सो ओके चलो अभी मैं घर घर जाती हूँ. जैसे दुकान था ना मेरे घर का बहुत पास था, इट वॉज ओनली 10 to 15 minutes आई गेस. यार 10 minutes वॉक फ्रॉम माई होम. अभी लौट रही हूँ घर फाइनली आज, और कुछ खाने नहीं वाली हूँ, बहुत हो चुका. लेकिन आई नो मम्मी कुछ ना कुछ खिलाएगी, बट देखते हैं. लेट्स सी, अभी तो जाके मैं सो जाऊँगी. एंड स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज. चलो आज के लिए गुड नाइट. मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए रहेगा चिकन चॉप, कोलकाता बिरयानी, घर का खाना, उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ चॉप, कोलकाता चॉप, उसके बाद फुचका और चूरमूर. चूरमूर क्या है यू नो, आई लेट यू नो इन माई नेक्स्ट वीडियो. और स्वीट्स मिष्टी. सो स्टे ट्यून्ड विद मिसेस फूडी ग्लोब ट्रॉटर. टाटा.